पिसौली की जीआरसी हिंदी विद्यालय में शासकीय आदेश और नियमों का पालन कर संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के मौके पर चित्रकला, निबंध लेखन, रंगोली स्पर्धा जैसी विविध प्रकार की गतिविधियां बच्चों से करवाई गई और उन्हें संविधान दिवस का महत्व भी बताया गया। देश की आज़ादी के बाद साल 1949 से 26 नवंबर के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करके राष्ट्र को समर्पित किया था। पिछले कुछ दशकों से अम्बेडकरवादी लोग संविधान दिवस मनाया करते थे, लेकिन साल 2015 में भारत सरकार ने पहली बार संविधान दिवस मनाया और शासन ने भी सभी स्कूलों में यह दिवस मनाने का आदेश दिया। उसी आदेश के तहत समाज उद्धार समिति द्वारा संचालित जीआरसी हिंदी हाई स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने संविधान की पूजा की। बच्चों ने संविधान दिवस पर निबंध लिखा, चित्र बनाए और समिति की तरफ से स्कूल की प्रिंसिपल पुष्पा शुक्ला को संविधान की एक प्रति भेंट की गई। इस दौरान समिति के सहसचिव डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ला ने कहा कि विविध जाति, धर्म और भाषा से बने हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा शस्त्र संविधान है। यदि ऐसा शक्तिशाली संविधान हमें नहीं मिलता तो आज हमारा देश कई टुकड़ों में बट गया होता। सबसे पहले पूरे देश को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान अनेक धर्म, भाषा, अनेक राज्य को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा शस्त्र है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, उनके चेहरे पे एक प्रकार की अलग ही हंसी थी, व्यंग था कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, अपने देश को कैसे संभालोगे जिस देश में अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक चलन है, कैसे संभालोगे आप। और इस समय बहुत ही सही उनका चाल और रणनीति थी। जाते जाते दो बंटवारे तो तरीके गए ही थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ऐसे समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो उच्च शिक्षित थे, अनेक कानून का उनको ज्ञान था, अलग अलग देशों का संविधान का पढ़ाई उनके पास थी, उन्होंने हर देश के संविधान का थोड़ा थोड़ा निचोड़ लिया और एक बहुत ही बेजोड़ शक्तिशाली संविधान 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया। आज संविधान का जन्मदिन है। मुझे गर्व है, ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में एकमात्र शक्तिशाली संविधान है, इस संविधान की वजह से आज पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। वो दिन दूर न होता यदि ऐसा शक्तिशाली संविधान न होता तो देश के बंटवारे टुकड़ों टुकड़ों में हो गए होते। आज भी अनेक राज्यों में हमारा पिछड़ा हुआ है, अभी भी वो भ्रांति है, अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। पावरफुल लोग आज भी पावरफुल हैं, लेकिन संविधान में इतनी ताकत है, गरीब लोग भी उस पावरफुल का फूल निकाल सकते हैं, हवा गुल कर सकते हैं। और ये देश ने देखा भी है, अनेक शक्तिशाली नेता संविधान की ताकत की वजह से उनके जो कुकर्म हैं देश के सामने आ ही जाता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, यह शासन का निर्देश है कि हर विद्यालय में संविधान दिवस भी धूमधाम से मनाया जाना ही चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पे संविधान दिवस, आप पत्रकार भाई हैं, आप खुद ही ढूंढिए, आप बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो वहां पे निष्क्रिय भाव है अभी भी, आज भी। मैं सभी विद्यालय, सभी संस्थाओं से निवेदन करूंगा, सभी लोगों से निवेदन, संविधान दिवस एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाए, यही मेरी आप सबसे अपील है। संविधान दिवस के साथ साथ 26/11 आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। स्कूल के सभी टीचर्स तथा छात्र छात्राओं ने सलामी देकर और मौन रहकर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया। इस मौके पर स्कूल की टीचर वर्षा पाटिल, सीमा पाठक, योगेश महाजन, करण पाल आदि मौजूद थे। आकिब शेख, जीवार्ता न्यूज, कल्याण।